सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर इब्तदाई रसूल कलीसिया ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम जावेद मंगा गिल के ज़ेरे इंतजाम एक रोज़ा अज़ीमुल शान 13वां सालाना मसीही इज्तमा कोटली लोहारा मशरकी में मुनक्कद हुआ, जिसमें पासवानों और मसीही बरादरी ने शिरकत की। पासवानों का ढोल बजाकर गुलपाशी मालाएं पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। क्वायर ने ज़ुबूर गीत पेश करते हुए खुदा के खूब हमदो सना की। नकाबत के फ़राइज़ सिस्टर आस्तर मरकज़ ने अदा किए। इस मौका पर खुदा के ममसूख खादम प्रिंसिपल फर्स्ट अपोस्टलिक थियोलॉजिकल सेमिनरी पास्टर डॉक्टर मरकज़ शरीफ ने मजमून आप ईमान पर हैं कि नहीं पर मुफसल रोशनी डालते हुए कहा कि आप अपने आप को आजमाएं ईमान पर हैं कि नहीं, अपने आप को जांचें कि आप अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह आप में है, तभी आप मकबूल और ईमान पर कायम होंगे। ईमान तीन बातों इलम यकीन भरोसे से बनता है। बगैर किसी शक डर लालच के अपने सारे दिलो जान ताकत अकल से अहले मसीहियत का ईमान जिंदा खुदा के बेटे मसीह यीशु पर है, जिन पर मसीहियों की जान माल हर चीज कुर्बान है। बेदीनी के दौर में मसीही वालदैन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चों को तालीम, सेहत, खुराक, लबास, आसाइश, कारोबार के साथ साथ खुदा का बेटा यीशु मसीह भी दें तो कोई भी जबरदस्ती मजहब तब्दील नहीं करवा सकेगा। वालदैन की तालीम और तरबियत रासबाजी से ही सियालकोट में आसमा याकूब पैदा होती हैं, जो अपने जिस्म पर तेजाब फेंकवा कर जान दे देती हैं, लेकिन जिंदगी के मालिक का इनकार नहीं करती। ईमान पर कायम रहती हैं, हमेशा सच बोलें, सुबह शाम खड़े होकर दुआ, घरेलू इबादत करें ताकि औलाद नशा की लानत, झूठ, जादूगरी, हरामकारी, गाली गलौज, चुगली से पाक रहे। मसीहियत मोहब्बत का दूसरा नाम है। मसीही अमन सुलह सलामती के शहजादा यीशु मसीह को मानने वाले अमन पसंद हैं, जो अक्सर एजा रजानी का शिकार रहते हैं। पास्टर डॉक्टर मरकज़ शरीफ ने मजीद कहा कि नसीहत पर अमल ना करने वाले भी ईमानदार नहीं हैं। अपनी सिफों में मोहब्बत इत्तेहाद के साथ साथ पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का तरीका जज्बा पैदा करते हुए सख्त फैसले करने होंगे ताकि ईमानदार रासबाज रूहानी नस्लें बाकी रखें। इस मौका पर पास्टर फियाज नाहरा, पास्टर असलम मसीह खोखर, पास्टर जॉर्ज दाऊद, पास्टर मुबारक खान, परस्तारा कायनात मरकज शहजाद, पास्टर शहजाद अजीम संधू, मिसेस यास्मिन मरकज, मुबशर सगीर गिल, मुबशर फ्रांसिस गिल, मुनवर भट्टी, साबर मसीह, बुजुर्ग गुलाम मसीह, इरफान मसीह, शकील भट्टी, पास्टर आरिफ खान, एल्डर यूनस और दीगर ने शिरकत और दुआ की। दर्जनों लोगों ने अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करते हुए अपनी बहाली की दुआ करवाई। मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली, बीमारों की शिफा के लिए दुआ की गई। बरकात कलमात पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ ने अदा किए।